हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी। वीडियो को पूरा देखिएगा, रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एक बॉल लेंगे, इसमें डालेंगे 1 कप सूजी। ये बारीक वाली सूजी है, अगर आपकी मोटी सूजी हो तो थोड़ा सा ग्राइंडर जार में पीस लीजिए। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लेते हैं। पहले आधा डालेंगे, 1/2 कप, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पीछे शादी हो रही है, उसी की आवाज़ें आ रही हैं, डीजे बज रहा है। आधा फिर से डाल लेते हैं, पूरा 1 कप पानी डाल लेंगे। अच्छे से घोलना है, एक भी गांठें ना रह जाएं। अभी बैटर तैयार हो गया है, ये देखिए 1 कप पानी मैंने डाला है, इस तरह से है। अभी सूजी फूलेगी तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। इसको ढक देते हैं 10 मिनट के लिए, उसके बाद देखते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, बैटर को देख लेते हैं। सूजी अच्छे से फूल गई है, अरे देखिए बैटर गाढ़ा हो गया है थोड़ा सा। अब इसमें बाकी की सामग्री डाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे अदरक, ये 1/2 इंच का टुकड़ा था, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, इसको डाल देते हैं। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना तीखा खाते हो। अब इसमें डालेंगे 1 शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, इसको भी डाल लेते हैं। 1 बारीक कटा हुआ प्याज, इसको भी डाल लेते हैं। 1/2 गाजर, इसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है, इसको भी डाल लेंगे। अब सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये नाश्ता बहुत हेल्दी रहेगा क्योंकि इसमें ढेर सारी सब्जियां पड़ी हैं। इसमें आपको जो सब्जी ना पसंद हो उसको हटा सकते हैं, जो सब्जियां पसंद हो उसको और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये नाश्ता बहुत जल्दी बन जाता है, इसको आप खाने के साथ भी बना सकते हैं। जब भी आपका रोटी सब्जी बनाने का मन ना हो तो इसको आप तुरंत बना लीजिए, थोड़ा अलग लगेगा खाने में। बिना तेल का रहेगा इसलिए हेल्दी भी रहेगा। अभी बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसको साइड कर देंगे। ये मैंने कटोरियाँ ले ली हैं इस तरह की, इनको तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है, इनमें तेल अच्छे से लगा लिया है, कहीं भी जगह बचे ना पूरे में लगा लेना है। कटोरियाँ आप कोई भी ले सकते हैं जैसी आपके पास हो। ये कटोरियों को मैंने इस तरह की थाली में रखा है, छेद वाली थाली है, अगर आप जाली हो तो जाली ले लीजिए, या कोई छेद वाली प्लेट हो उसको भी ले सकते हैं। इन्हें में इनको रख लेना है। अब इनको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। अब बैटर को ले लेंगे। अब इसमें डालेंगे इनो सॉल्ट 1/2 पाउच, अब अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बहुत देर तक नहीं मिक्स करना है, बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब इन्हीं कटोरियों में बैटर को डालेंगे। अब इनको 1/2 से ज़्यादा भरेंगे, पूरा फुल नहीं भरेंगे। अब बटर को मैंने कटोरी में डाल लिया है, अब चलते हैं गैस की तरफ। अब एक कढ़ाई में मैंने 2 ग्लास पानी डाल के रख दिया है बॉयल होने को। पानी बॉयल हो गया है, अब इसमें लगा देंगे स्टैंड। गैस को मीडियम फ्लेम में रखेंगे। अब इसमें प्लेट को लगा देते हैं। अब इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए, जिसे भाप में अच्छे से पक जाए। 10 मिनट बाद देखते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, नाश्ता को देख लेंगे। ये देखिए बड़ी अच्छे से फूल आई हैं। अब एक फॉर्क ले लेंगे, इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसमें लग नहीं रहा, इसका मतलब पक गया है अच्छे से। ये देखिए अब इनको बाहर कर लेते हैं। अभी अच्छे से ठंडे हो जाएं तब निकालेंगे, तब तक दूसरा बना लेते हैं। फिर से ढक देंगे 10 मिनट के लिए।
अभी नाश्ता ठंडा हो गया है, अब इनको बाहर कर लेंगे। एक चाकू की हेल्प से साइड से निकालेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से निकल आया, ये देखिए इसी तरह सारे निकाल लेने हैं। ये एकदम सॉफ्ट है, एकदम स्पंजी, ये देखिए एकदम दब रहा है। ये सूजी का हेल्दी नाश्ता बनके तैयार है, आप लोग भी बनाइएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। जब भी आपका रोटी सब्जी बनाने का मन ना हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये नाश्ता ढेर सारी सब्जियों के साथ बनता है, इसलिए आपको अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल चटनी बनानी होगी, नारियल की चटनी, मूंगफली की चटनी, या फिर चने दाल की चटनी, या फिर नॉर्मल टमाटर की चटनी सॉस से, ग्रीन चटनी, जिससे भी आपको खाना हो उसके साथ खाइए, सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।